Hello friends, how are you? Okay, last class we had an introductory class about vertebrata, how vertebrata evolved from protocordates. Now we knew that vertebrata had these characteristics. Now today we'll be learning about the further classification of the vertebrata into different classes. They are, the most primitive classes are PISCES. हमने बचपन में ये गाना सुना होगा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, है ना? तो ये मछली है, तो ये क्या है ना, रोहू फिश. तो फिशेस जो है इसी क्लास में आते हैं. इनका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है, दे आर प्योरली एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक, पानी में ही रहती हैं. फिर देयर स्किन्स आर कवर्ड विद स्केल्स, देखा होगा स्केल्स. फिर उसके बाद उनमें गिल्स होता है रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए गिल्स होता है, जिसमें क्या कहते हैं, वो डिजॉल्व वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो गिल्स के थ्रू लेते हैं. फिर उनका बॉडी स्ट्रीमलाइंड होता है, जिसकी वजह से वो बड़े ही आसानी से कहीं भी घूम सकते हैं पानी के अंदर, ठीक है. और उनमें एक चीज़ होता है लैटरल लाइन, जो कि उनको बैलेंस, बॉडी को बैलेंस करता है, उनका प्रेशर जो वो हाइड्रोअकॉस्टिक प्रेशर होता है वो बैलेंस करता है. नेक्स्ट होता है दे आर कोल्ड ब्लडेड. कोल्ड ब्लडेड मतलब ठंडा खून नहीं. कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये है, वो प्राणी, वो ऑर्गेनिजम्स हु कैन नॉट चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर विथ अकॉर्डेंस टू चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट और क्लाइमेट. वी ऑल आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, मतलब हम अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बिल्कुल चेंज नहीं कर पाते, तो इसीलिए हम क्या होते हैं, हम स्लगिश हो जाते हैं, हम थोड़ा धीमे पड़ जाते हैं, थोड़ा मतलब सुस्ता जाते हैं. तो वही, दे आर ऑल कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स. देन नेक्स्ट इज दो चैम्बर्ड हार्ट. उनका जो हार्ट है टू चैम्बर्ड होता है, एक आर्टेरिया एक वेंट्रिकल होता है. देन दे आर एगलिंग. एगलिंग का दूसरा नाम है दे आर ओवीपैरस, मतलब अंडे देते हैं, ठीक है. सो अगर हम समराइज करें, पीसेस दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक, दे आर हैविंग स्किन विद स्केल्स एंड दे हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन टू ब्रीद इन द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर, दे हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी टू मूव इन द वाटर, दे आर कोल्ड ब्लडेड इन नेचर एंड दे हैव टू चैम्बर्ड हार्ट एंड मोर ओवर दे आर ओवीपैरस. पीसेस का और एक क्लासिफिकेशन जान लीजिए फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. देर आर टू काइंड्स ऑफ फिशेस, मोस्टली बोनी फिश, जैसे लैब्योरोइता हो गया, और दूसरा है आपका कार्टिलेजिनस फिश, जो कार्टिलेजस से उसका स्किन रहता है, जो कि है आपका कऊ माछ जो होता है, कऊ मछली जो होता है, स्कॉलियोडन स्कोराकावा, जो चढ़ जाता है पेड़ पे, वो कार्टिलेजिनस फिश होता है. तो ये एक तरह का फिश है. तो दो तरह का फिश हमने देखा. नेक्स्ट जो आता है क्लास वो है एम्फीबिया. एम्फीबिया, अरे बाप रे, ये क्या है, समझ में आ रहा है, ये क्या है, छिपकली नहीं है, ये है सैलामेंडर. छिपकली की तरह दिखती है पर छिपकली है नहीं, ठीक है, ये है सैलामेंडर. तो सैलामेंडर जो है एम्फीबिया, एम्फीबिया जैसे उसका मतलब नाम दिया गया है, एम्फीबिया मतलब दे कैन बी फाउंड बोथ इन लैंड एंड वाटर, ये वाटर और लैंड दोनों में ही रहते हैं. नेक्स्ट, दे आर ओवीपैरस, दे आर ओवीपैरस इन नेचर, मतलब एग लेइंग, ठीक है. देन उनमें गिल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन लेते हैं, सांस लेते हैं. एंड नेक्स्ट इज दे हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट, तीन चैम्बर होते हैं, दो आर्टेरिया और एक वेंट्रिकल होता है उसमें, थ्री चैम्बर्ड हार्ट. नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, उनका जो स्किन होता है दैट इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स. जैसे पीसेस में स्केल्स होते थे, उनमें स्केल्स नहीं होते, उनमें क्या होता है ना, म्यूकस ग्लैंड्स बहुत सारे होते हैं, जिसकी वजह से उनका स्किन जो है हमेशा स्लिपरी रहता है, ठीक है. तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है आपका, आएगा फ्रॉग, टोड, ठीक है, ये सब एम्फीबियंस में आएंगे. नेक्स्ट, बाप रे,
सांप डसेगा नहीं, घबराओ, इसके जीव है पर वो जहरीले नहीं है। सांप, स्नेक रेप्टिलिया में जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है नाजा नाजा, ठीक है। तो रेप्टिलिया ये जो है अपने आप में एक एडवांस्ड कैटेगरी है, इनमें स्केल्स होते हैं पहली चीज, दूसरी चीज इनमें जो है मोस्टली देयर थ्री चैम्बर्ड एक्सेप्ट एक्सेप्शन, बायोलॉजी इज साइंस ऑफ एक्सेप्शन, एक्सेप्ट फॉर क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में चार चैम्बर्ड हार्ट होता है बट बाकी सब में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। और जैसे कि मैंने बताया दे हैव अ स्केली स्किन एंड दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड, मतलब वो अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर सकते विथ अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट इज दे ले एग्स बट विथ ए टफ कवरिंग, मतलब उनका जो कवर एग्स का जो कवरिंग है वो बहुत ही हार्ड होता है, और ये पानी में एग्स नहीं देते, दे आर ओविपेरस बट दे डोंट ले एग्स इन साइड वाटर लाइक एम्फीबियंस। और रेस्पिरेशन जो है ये लंग्स के थ्रू लेते हैं, गिल्स नहीं है, ठीक है, रेस्पिरेशन दे टेक्स थ्रू लंग्स एंड थ्री चैम्बर्ड हार्ट जैसे मैंने समझाया। और इसमें कौन कौन से जाएंगे, ना स्नेक, क्रोकोडाइल, टर्टल्स, ये सब एग्जांपल्स हैं इनमें। तो आज हम अभी हमने क्या पढ़ा, ना तीन क्लासेस जो कि है आपके पीसेस, पीसेस कॉन्स्टिट्यूट योर फिशेस, amphibians constitutes your frogs, toads, etc., salamander, और reptilia हो गया आपके snakes, और आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा और, जैसे reptilia के बाद और evolution हुआ उसमें, वो है apes, then हम लोग आए mammalia।